आज हम एक स्क्रू गॉज का जेई एडवांस का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे 4 जून को जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, स्क्रू गॉज से वर्नियर कैलिपर से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, या तो स्क्रू गॉज का आएगा या तो वर्नियर कैलिपर्स का आएगा। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या जेई मेन्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको स्टार्टिंग से ही जेई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन लगाने से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। हम इस एक क्वेश्चन से हम आपके पूरे स्क्रू गॉज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अभी इस क्वेश्चन को अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो स्क्रू गॉज को अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि ये जेई एडवांस का है। जेई एडवांस में थोड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं, इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी होते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं ना। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में पहले इसको क्वेश्चन को रीड करके बताते हैं। ये क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं कब का है। ये जो क्वेश्चन है ये है 2022 का जेई एडवांस का पेपर 2 का क्वेश्चन है ना। इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज मेजर्ड यूजिंग अ स्क्रू गॉज। ठीक है, किसको मेजर करने वाला है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज मेजर्ड यूजिंग अ स्क्रू गॉज। द पिच ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm। जो मेन स्केल का पिच है, मेन स्केल, तो मेन स्केल हम किसको लेते हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर होता है, ये आपको अगर क्लियर दिख रहा हो वीडियो में, यहाँ पे ये जो डिवीजन होता है इसको मेन स्केल बोलते हैं। करा ये एक डिवीजन जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0.5 mm। इसको क्वेश्चन में बोला है कि ये पिच है। क्या है? पिच। ध्यान से देखिएगा, अब बैक साइड आते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन्स फॉर वन फुल रोटेशन। द सर्कुलर स्केल, द मेन स्केल शिफ्ट बाई 2 डिवीजन्स। मतलब बताता हूं अभी, द मेजर्ड द रीडिंग लिस्ट बिलो। मतलब ये कह रहा है कि इसको अगर मैं इस साइड से, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं इस तरीके से, ध्यान मेरी हाथ समझ रहे हो, ऐसे। तो जब इसको एक बार कंप्लीट रोटेट करेंगे तो ये 2 डिवीजन्स आगे शिफ्ट हुआ है। कितने डिवीजन्स? 2 डिवीजन्स आगे शिफ्ट हुआ है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया वहां तक? उसके बाद कह रहा है कि द मेजरमेंट कंडीशंस, ये कह रहा है द 2 आर्म्स ऑफ द गॉज टचिंग ईच अदर विदाउट वायर, है ना। मेन स्केल रीडिंग 0 और सर्कुलर स्केल रीडिंग 4 डिवीजन्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर इसको इसमें कोई वायर ना डाले, डायरेक्ट इसको टच करा दे। क्या करा दे? टच। तो ये मूव करके ये सर्कुलर स्केल यहां पे आ गया, मेन स्केल रीडिंग 0 रीड किया, और ये इसको कितना रीड किया? 4 डिवीजन। कितना? 4 डिवीजन रीडिंग आ गया, यानी ये बेस लाइन के नीचे आया 4 डिवीजन। तो जब भी बेस लाइन के नीचे 4 डिवीजन आता है और इसमें कुछ भी वायर नहीं लगाए रहते हैं, तो यानी अगर ये 0 बेस लाइन से, इसके जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100 डिवीजन है, जो इसके 0 और बेस लाइन अगर कॉन्साइड नहीं करता है, तो इंस्ट्रूमेंट में खराबी है। खराबी 2 टाइप की होती है, मतलब एरर की बात कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव एरर होता है, एक नेगेटिव एरर होता है। इस बेस लाइन के अगर नीचे आता है, इसमें अगर कुछ भी वायर न रखें और इन दोनों स्टड्स को टच करा दे, तो इसमें जो अगर कॉन्साइड नहीं करता बेस लाइन और इस सर्कुलर स्केल का 0 और ये नीचे आ गया है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव एरर है। अगर यही ऊपर होता तो क्या होता है हमारा? निगेटिव एरर होता। क्यों? क्योंकि अगर ये बताओ यहां पे अभी कोई वायर ही नहीं है, पहले ही 4 डिवीजन रीड कर चुका है, तो जब अगर इसमें कोई वायर डालेंगे तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, फिर इसमें वायर पेस्ट करेंगे, फिर रीडिंग मेजर करेंगे, तो इतना तो ये मेजर कर चुका है पहले से। तो जब तक अगर करेक्ट रीडिंग निकालना होगा, जब तक इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक करेक्ट रीडिंग आपका नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यही बताया कि मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे, है ना। इसको देखिए अब, तो ये जो टेबल बना है ना, समझ में आया? इसके बाद कह रहा है, जैसे आप स्कूलिंग में जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहां तो 2 ही दिया, आप स्कूल में 3-3 करते हैं। इसमें दिया अटेम्प्ट द वायर 4 डिवीजन्स, सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 डिवीजन्स, अटेम्प्ट 2 में वायर 4 डिवीजन्स और 16 डिवीजन्स। उसके बाद कह रहा है व्हाट आर द डायमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर मेजर्ड,
यूजिंग द स्क्रू गॉज, यानी हमको डायामीटर निकालना है और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है जो इसमें हम लोग वायर को इसमें जो डाल के, अगर इसका इस तरह से वायर है तो इस वायर का डायामीटर मेजर करेंगे और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करेंगे, है ना। आराम से क्वेश्चन समझ में आया, रीड करके मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या करना है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो अब सिंपली, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ रीडिंग की, तो जब रीडिंग हम लोग निकालेंगे, मेरी बात समझ रहे हो, तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। हम लोग जब रीडिंग निकालते हैं तो करेक्ट रीडिंग जो आता है हमारा वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर अगर पॉजिटिव एरर होगा तो प्लस के साथ रखेंगे और नेगेटिव एरर होगा तो माइनस के साथ रखेंगे, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव एरर आया है, ठीक है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, एन इंटू लिस्ट काउंट होता है, और मेन स्केल रीडिंग भी दिया है। तो मेरी बात ध्यान से देखना, अगर सबसे पहले अगर इस फिगर में ही हम बात कर ले, तो मैंने बताया अगर मेरे पास पॉजिटिव जीरो एरर निकालना हो तो डायरेक्ट यहां से निकालते हैं n इंटू लिस्ट काउंट से। तो n इसका कितना है हमारा, देखिए 4 डिविजन, तो 4 और लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट समझते हैं, देखिए जब इसका हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो लिस्ट काउंट क्या होता है, जब इसको हम क्या करते हैं, जब एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो जितना आगे शिफ्ट होता है उसको ऊपर रखते हैं, उसको हम नॉर्मली पिच बताए थे थ्योरी में। मेरे तरीके से लगाएंगे तो कठिन नहीं होगा, बाकी हर जगह बहुत ज़्यादा टिपिकल बना दिया जाता है क्वेश्चन को। तो एक बार कंप्लीट रोटेशन करा रहे हैं तो ये कितने मूव कर जा रहा है, 2 डिवीजन्स। हमको पता है कि एक डिवीजन में 0.5 mm है, तो 2 डिवीजन जब शिफ्ट होगा तो लीनियर डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल से हम लोग क्या निकालते हैं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मैं दोबारा फॉर्मूला बताता हूँ, लिस्ट काउंट कैसे डिफाइंड होता है, इस सर्कुलर स्केल को कंप्लीट फुल रोटेशन करने के बाद ये जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, वहाँ पिच लिख के कन्फ्यूज कर दिया है, लोग फॉर्मूला याद किए रहते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। उस तरीके से अगर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ये कह रहा है कि ए वन फुल रोटेशन में ये कितना, 2 डिवीजन आगे शिफ्ट हो रहा, और एक यहां से बस ये समझना था मेन स्केल की पिच, मतलब एक थ्रेड के बीच का गैप जो दिया है 0.5 mm दिया है, तो 2 डिवीजन में कितना हो जाएगा, 2 × 0.5 / 100। तो 2 × 0.5 करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 mm आएगा। आंसर mm में है तो mm में निकालेंगे। अब इसका पॉजिटिव एरर निकालेंगे तो आगे प्लस लगा लेंगे, 4 × 0.01, तो कितना आ जाएगा, 0.04 mm आ गया। मेरी बात समझे, हमको पता चल गया पॉजिटिव जीरो एरर, लिस्ट काउंट पता चल गया। अब अगर मैं ये रीडिंग निकालूंगा डायामीटर D1, मैं यही कर देता हूँ, D1 मेजर करूंगा, तो ये कितना डिविजन्स मेन स्केल रीड किया, 4 डिवीजन, और एक डिवीजन 0.5 का है, तो 4 × 0.5 यानी मेन स्केल कितना रीड किया, 2 mm, कितना रीड किया, 2 mm। ध्यान से देखना, दोबारा मैं कह रहा हूँ, एक डिवीजन जो है 0.5 mm है, तो 4 × 0.5 तो 2 mm हो जाएगा, प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, n कितना आ गया हमारा 20, तो ये हो जाएगा 20 × लिस्ट काउंट कितना है 0.01, और माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर 0.04। इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 mm, ये आएगा 0.20, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको ऐड कर लीजिए, मैं यहाँ ऐड करके बताता हूँ, 2 ऐड करेंगे, 2.00 कर लीजिए ऐसे ही, और 0.20 तो ऐड करेंगे तो 2.20 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.04 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 0 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये हो गया 2.16, कितना आएगा 2.16 आएगा, यानी इसको मैं D1 बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ D1, ये आया 2.16 आया, mm में आया, ध्यान रखे रहना, क्या आया mm में, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, है ना। सेम तरीके से इसमें कह रहा 4 डिवीजन, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, 4 × 0.5, तो इसे D2 नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 mm
और प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, एन कितना है 16, लिस्ट काउंट है 0.01 माइनस जीरो एरर 0.04, पॉजिटिव एरर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 2.16 माइनस 0.04, तो सॉल्व करेंगे तो 2.12 आ गया, ये D2 है, क्या है D2। अच्छा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो इसकी मीन वैल्यू निकालते हैं, जो मीन वैल्यू होता है वही आंसर होता है ना, मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी मीन निकालेंगे, तो ये कितना होगा डी वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई टू, ये कितना है 2.16 प्लस 2.12 डिवाइडेड बाई टू, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा 4.28 को डिवाइड करिए 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2.14 हो जाएगा एमएम में, ठीक है। इसके बाद डेल्टा डीएम कैसे निकालने के लिए बताया था, डेल्टा डीएम इसको मोड लगाए थे, हमने कहा था एरर कभी भी माइनस नहीं होता, हमेशा ऐड होता है, तो इसको बताए थे डीएम माइनस डी वन प्लस डीएम माइनस डी टू, ये आपने काफी प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन जैसे ही जेईई एडवांस में आ गया तो आपको लगा पता नहीं क्या पूछ लिया है ना, डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 2.1614 है माइनस 2.16 डी वन आया था, पीछे जाके देख सकते हैं ये आया है 2.16 प्लस 2.14 माइनस 2.12, मोड इसीलिए लगाए क्योंकि हमको माइनस में लेना ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ या 0.02 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.02। इसको लिखना मैंने सिखाया था, लिखना कैसे, इसको लिखते हैं डी एम प्लस माइनस डेल्टा डी एम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2.14 प्लस माइनस 0.02 और आगे क्या लगा देंगे एमएम लगा देंगे, क्या लगाएंगे एमएम, सिंपली डायामीटर आ गया, क्या आ गया, तो इसका ऑप्शन अगर डायरेक्ट यहां से टिक करना चाहें तो 2.14 प्लस 0.02 प्लस माइनस, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम में बैठा है और उसका आंसर डायामीटर का मैच कर गया, क्योंकि देखिए ये अलग है ये अलग है ये अलग है, यहाँ क्योंकि 0.01 दिया 0.,  तो स्टिक करके आगे बढ़े अगर आप एग्जाम में बैठे, लेकिन घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एरिया को भी जरूर निकाल लें, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप लर्निंग स्टेज पे हैं, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो एरिया में निकालते उसके पहले मैं लिख लेता हूँ, मैंने निकाला क्या डी एम प्लस माइनस डेल्टा डी एम, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं d प्लस माइनस डेल्टा d, इसकी वैल्यू कितनी है 2.14 प्लस माइनस 0.02। अगर मुझे एरिया में निकालना होगा तो a की वैल्यू होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर, r के जगह d बाई 2 रख देंगे तो हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4, तो जब मुझे एरिया में लिखना होगा तो a प्लस माइनस डेल्टा a रखेंगे। इस पेपर में एक खास बात है कि जो ऑप्शन में पाई की वैल्यू रखा नहीं है तो हम लोग भी नहीं रखेंगे, पाई ऐसे ही रहने देंगे, तो सपोज दैट मुझे एरिया निकालना होगा तो पाई 2.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसको 2 जा 4 आएगा तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको डिवाइड करने के बाद 1.14 आएगा, आप कैलकुलेट करिएगा। और ये एक अगर ये फॉर्मूला बनाएंगे एरर में तो डेल्टा ए अपॉन ए लिखते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कोई लेना देना नहीं है, और पावर कितना होता है मल्टीप्लाई हो जाता है 2 डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा, डेल्टा ए निकालेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू ए, ए क्या है हमारा पाई डी स्क्वायर बाई 4, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, वैल्यू रखिए 2, डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है 0.02, ठीक है, अपॉन इंटू पाई, पाई की वैल्यू नहीं रखना है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारा 2.14, 2.14 डिवाइडेड बाई 4, देखिए इसको सिंपल कैलकुलेशन है, जेईई एडवांस का, लेकिन कैलकुलेशन देखिए, इसको एक कट करिए तो 2 आ गया, इसको कट करेंगे तो 0.01 आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.0214, लेकिन इधर का हमें मतलब ही नहीं है, और ये इतना आया है तो इसको रखेंगे यहाँ पे तो पाई इंटू 1.14 प्लस माइनस पाई इंटू 0.02, पाई को ऑप्शन में कॉमन ले लिया है, 1.14 प्लस माइनस 0.02 लिया है, और इसका यूनिट क्या होगा एरिया है तो एमएम स्क्वायर, क्योंकि मैं एमएम में निकाल रहा हूँ। अब आंसर टिक करिए, देखिए
अब आंसर को टिक करेंगे तो सी तो मैंने पहले टिक कर चुका, देखो आया वही है ना। अगर एक बार ऑप्शन का आइडिया लग जा रहा है ना तो आप फर्दर एग्जाम में सॉल्व नहीं करिएगा, लेकिन घर पे हैं तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं तो आपको नॉलेज इतना बढ़िया हो जाएगा, और प्रैक्टिस थोड़ा सा जान लगा दो ना तो रैंक वाकई में गजब की आती है। मेरी बात समझ रहे हो? ऑल द बेस्ट।